Reserve Sakshi Malik commented on Bajrang Punia and Vinesh Fogart's decision to join a political party, stating that it is their personal choice. She emphasized that the fight for women's rights and against explosions must not be overshadowed by their political affiliations. Malik expressed her commitment to continuing the education and the Wrestling Federation is fully formed and the exploration of women ends. She also revealed that she had received offers but chose to persist with her efforts, underscoring that her fight is genuine and will continue until meaningful change is achieved. मैं अभी भी उस पर डट कर खड़ी हूँ, महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मैं मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। एक सवाल ये है कि जो राजनीति ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला किया, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? हाँ देखो, ये तो उनका पर्सनल फैसला है, उन्होंने उनको इच्छा हुई मन में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची तो वो उनकी चॉइस है, उनको लगा कि उनको वहाँ बेहतर दिखाई दे रहा है तो वो उन्होंने वो चीज़ फैसला लिया है। आपको लगता है कि अब जो इश्यूज आपके थे, जो आंदोलन के इश्यूज थे, उसको पार्टी में रहकर उठा पाएंगे वो? देखो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आंदोलन है उसको गलत रूप ना दिया जाए। उन्होंने चाहे आज रिजाइन दे दिया हो पार्टी में जाने के लिए, लेकिन आंदोलन जो मेरी तरफ से है, वो जो मेरी लड़ाई है वो जारी है और मैं सदा इस चीज के लिए काम करती रहूंगी। अच्छा, आपको भी पार्टी से ऑफर है, कौन कौन सी पार्टी से ऑफर है और क्या सोच? देखो जब मुझे वहाँ जाना ही नहीं तो मैं उस चीज के बारे में बात ही क्या करूँ, मेरा वो मकसद ही नहीं है, ना मेरा शुरुआत से मकसद था। धरना शुरू करा जब से मेरा मकसद नहीं था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। बड़े एलिगेशन आए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के उससे बैठे हो या किसी के इन्फ्लुएंस से बैठे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो लड़ाई है वो जेन्युइन है और वो जारी रहेगी। अच्छा, आपकी काफी अच्छी बनती है दोनों से, जब दिल्ली से वापस लौट रहे थे आपने, तो अब प्रचार में क्या आपका साथ रहेगा उनके साथ, आप जाएंगी प्रचार करने के लिए? देखो मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं तो अपना रेलवे में जॉब करती हूँ और जैसा बताया कि ना मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी से जुड़ी हूँ, ना मैं किसी पार्टी का मेरा से कोई हो, मैं मेरी सिर्फ लड़ाई एक ही आदमी से थी, वो ब्रजभूषण है, कि उसकी उसने बहन बेटियों का शोषण किया था, तो लड़ाई मेरी उसी तक है। मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है ना कोई द्वेष है। व्यक्तिगत नहीं जाएंगे वोट मांगने के लिए? देखो मैं पॉलिटिकल हुई नहीं, वो मैं